हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। अभी ना एक ना नया नया कोर्ट ने फैसला किया है, तो मैं न्यूज़ नहीं सुना रहा हूँ, बस अपने लेवल की थोड़ी बात है वो उस बारे में बता रहा हूँ। केरल हाई कोर्ट ने के पास एक केस गया जिसमें अपने जो मूवी मेकर है उन्होंने बोला कि भैया 48 घंटे तक कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी रिव्यूअर, कोई भी क्रिटिक्स मूवी के बारे में रिव्यू नहीं करेगा। चलो ठीक है, मान लिया नहीं करेगा, लेकिन जो थिएटर के बाहर लोग निकल रहे हैं वो लोगों से बोलेंगे या फिर उसको थोड़ा आप रोक लोगे, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर यार मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है वो सब चीज़ें करने की, क्योंकि लोग जो है ऑटोमेटिकली तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। अगर आप रिव्यूज़ पे जाते हो तो आपके लिए एक दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, जैसे कि अभी हनुमान है, हनुमान मूवी का जो रिव्यू है वो अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन उसके कुछ 100 कार के काट के गुंटूर कलम को दिए गए, लेकिन ऑडियंस का फुटफॉल फिर भी हनुमान की तरफ ज़्यादा रहा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात करते हैं गदर 2 के बारे में। गदर 2 जब रिलीज हुई थी किसी भी फिल्म क्रिटिक्स ने ये नहीं बोला था कि मूवी अच्छी है, चाहे योगी बोलता है ले लो, चाहे सूरज कुमार ले लो, चाहे फिल्मी इंडियन ले लो, किसी ने नहीं बोला। और सच बोलूँ तो मेरे को ऐसी कुछ कमी नहीं लगी, क्योंकि यार आप अगर मूवी रिव्यू किसके लिए करते हैं, मान लो मैं आपको मूवी के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं बस आपको मूवी के बारे में, मेरा काम ये बताने का है कि भैया इसकी जो स्टोरी है वो लगभग लगभग ऐसी है, एक्शन अच्छे हैं और ये ऐसे ऐसे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूवी को बोल रहा हूँ मैं इसको 2 स्टार दूंगा या 1 स्टार दूंगा, 1.5 स्टार दूंगा, इनको एक्टिंग ऐसी है या फिर एक्टिंग वैसी है। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी जो अच्छी नहीं लगती है तो वो आप बोल सकते हो, लेकिन हर तीसरी मूवी के लिए आप ऐसा बोल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो गलत चीज़ें हैं। फिर अगर आप जो ये केस आपने डाला है अगर उसकी भी बात करें, तो मेरे को नहीं लगता है कि ऑडियंस जिसको देखेगी देखेगी, रिव्यू का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उनके ऊपर। बहुत सारी मूवियाँ ऐसी आई हैं, अभी सलार भी रिलीज हुई थी प्रभास सर की, तो उसके लिए भी जो है नेगेटिव रिव्यू ही दिए थे। चाहे स्टोरी लाइन के लिए थोड़ा पॉजिटिव उनका रिव्यू था, चाहे एक्शन सिक्वेंसेस ले लो या फिर मूवी की जो बैकग्राउंड है उसकी ले लो, या फिर आप जो एक कलर ग्रेडिंग होती है उसको ले लो, या फिर जो सिनेमैटिक शॉट थे, मतलब सिनेमैटिक शॉट से मेरा मतलब वो वाले नहीं, बस मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं तो ये जो क्लियरिटी है, जो फेस है वो क्लियर दिख रहा है, लेकिन उसका क्या है, उसमें मोस्टली क्या है, ग्लिम्प्स थे ब्लैक ब्लैक, और जो मोस्टली मूवी कलर ग्रेडिंग थोड़ी नीचे थी, और एक होता है कि कम्फर्ट जोन था वो, लेकिन लोगों को वो चीज़ वो ऐसे लगी कि थिएटर में हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है और हमको लाइट लेके जानी पड़ेगी मूवी को देखने के लिए। फिर भी सलार ने पैसा कमाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता यार इस जो केस है ये ज्यादा चलेगा। बाकी हाई कोर्ट का जो भी फैसला है वो देखते हैं क्या होता है, अगर होगा तो फिर जो 48 घंटे तक कोई रिव्यू नहीं कर पाएगा भैया। ठीक है जी, अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।